आरसीओ के साथ एमओयू 21 फरवरी 2024 तक प्रभावी था, आज समाप्त हो रहा है। आरसीए ने एमओयू को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया है। एमओयू सरकार द्वारा किया गया था, हमने उनके ज्ञापन को सरकार को भेजा है, वहाँ से अभी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। जैसे भी हमें निर्देश प्राप्त होंगे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हमें तो हमेशा से ही इस पे सरकार का था, उनको उपयोग करने के लिए दिया हुआ है। जो भी आगे परिस्थिति बनेगी उसके अनुसार से हम कार्रवाई करेंगे। लगातार नोटिस दिए हैं, व्यक्ति से भी निवेदन किया है, लेकिन उन्होंने कोई पैसे जमा नहीं कराए हैं। गत 5 वर्षों में जो मैच फीस के रूप में जो राशि है वो करीब 5 करोड़ रुपए के करीब बनती है, जो उन्होंने जमा नहीं कराई है। केवल 1 करोड़ रुपए इन्होंने जमा कराई है। साथ ही जो बिजली और अन्य जो बिल थे वो भी 3 करोड़ रुपए से अधिक के हैं, वो भी इन्होंने जमा नहीं कराए हैं। आरसी को बीसीसीआई से काफ़ी राशि मिली, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके सरकार के जो पैसे हैं उस समय पर जमा नहीं कराए हैं। अनेकों नोटिस दिए हैं लेकिन राशि जमा नहीं कराई है। इसमें बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं है, जो दोनों जीत के आए हैं, प्रियंका जी धनंजय, पहले मैं उनको बधाई देता हूँ, मैंने बधाई दी भी है। और इसमें जो संघों के जिलों के चुनाव होते हैं वो हर कई 3 साल में कई 5 साल में अलग अलग बना हुआ है, तो उन चुनाव की प्रक्रिया से जो चुनाव में चुन के आते हैं वो दोनों जगह अध्यक्ष चुन के आए हैं। एमओयू के लिए आरसीए ने लिख के दे रखा है, मैं समझता हूँ कि जल्दी सरकार एमओयू कर देगी। ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, दो कुछ जैसी तो मुझे कोई लगती नहीं है संभावना है। ये प्रक्रिया चलती रहती है क्योंकि यहाँ कोई बीजेपी कांग्रेस तो है नहीं है, ये तो एक क्रिकेट का संघ है कि चुनाव से लोग जीत के आते हैं, चुनाव से ही बनते हैं। और अभी जो अध्यक्ष बने हैं वो दोनों भी चुनाव से जीत के हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की राजनीति जब होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी विजय लाल जी शर्मा है और पहले भी रहे हैं, पहले ललित मोदी के समय में काफी चला था, उससे क्रिकेट के काफी लोग सफर किया, खिलाड़ी सफर हुए थे। मैं समझता हूँ ऐसा अभी बीजेपी कांग्रेस इसमें नहीं होगा, क्योंकि सरकार भी जानती है इस बात को कि भाई खिलाड़ियों का भविष्य को लेके, और स्टेडियम का काम भी चूंकि चल रहा है, 30-40% काम स्टेडियम का हो चुका है, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई चीजें होगी नहीं। और किसी कोई संभावना आई तो मिल बैठ के उसका रास्ता निकाल, स्टेडियम 1-2 साल और लगेंगे, चल रहा है काम, मैं समझता हूँ कि 2 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा।